बीएसएफ के अथॉरिटी ऑलरेडी वहां पहुंच गए हैं, पाक रेंजर्स भी वहां पर मौजूद है, हमारे जो अमृतसर के डीआईजी और आईजी जलंधर वहां पर मौजूद है, और पाकिस्तान रेंजर्स के जो वहां पर अधिकारी है वो भी पास में है। अब गेट खुलने का वक्त आ गया है और अभिनंदन जी को अभिनंदन। मिश्रा जी, ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान की तरफ से लिया गया वीडियो है ना? ये पाकिस्तान के पाकिस्तान के तरफ से है, इसलिए हमारे जो बीएसएफ के ऑफिसर्स आप ये नजर आते हैं, पाकिस्तान रेंजर और बीएसएफ के बीच में पाकिस्तान रेंजर्स इसको हैंडओवर करेंगे बीएसएफ को, और उम्मीद है बस अभी गेट हमारा जो बिटिंग द रिट्रीट पॉइंट जैसे गेट खुलता है, अब दोनों साइड का गेट खुलेगा और पाकिस्तान रेंजर्स सिग्नेचर कराते हैं। जो कागजी कार्रवाई है ये पूरी हुई और अब उनको फॉर्मली कहा जा रहा है कि अब आप भारत की सीमा में एंटर करने के लिए फ्री है। वो एक जो रेंजर थे वो जीरो लाइन से वापस आए, कुछ वहां वो कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे थे, फिर वापस आकर अभिनंदन का पोस्चर देखिए, ये वीर सैनिक बिल्कुल सावधान पाकिस्तान की मिट्टी पे खड़े हैं, चंद कदम बाकी हैं इंडिया में आने के लिए, लेकिन रवैया परफेक्ट भारत इंतजार कर रहा है, पूरे देश को इंतजार है इस पल का। विंग कमांडर भारत की धरती पर कदम रखे, पूरा देश इंतजार कर रहा है, बाएं फैलाए। अभिनंदन पाकिस्तानी अफसरों के साथ बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल किनारे पर है, कुछ कदम दूर है, इस वक्त वो पाकिस्तानी जमीन पर है, जीरो लाइन के बिल्कुल करीब है और कुछ ही क्षणों बाद वो भारत में होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने विंग कमांडर को हैंड ओवर करने से पहले एक और गंदी हरकत की, विंग कमांडर का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में पाकिस्तानी फौज की तारीफ करवाई गई है, इंडियन मीडिया की आलोचना करवाई गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में 18 कट है। इस उस मीडिया को कैसे वायरल किया जा रहा है, आपने देखा जब विंग कमांडर को पकड़ा था पाकिस्तान की फौज ने, उससे पहले भी उनके जो वीडियो बनाए थे उन वीडियोज को उन्होंने तुरंत रिलीज किया। जैसे जैसे उनकी आलोचना हुई कि मारपीट की गई विंग कमांडर अभिनंदन के साथ में, उन्होंने उस वीडियो को रिलीज के जमाने में ये बड़ी बात है। और ये एक और वीडियो बनाया है और वहां के प्राइम मिनिस्टर के ये ऐलान करने के बाद, क्योंकि मुझे इमरान खान का सेंटेंस याद है, उन्होंने कहा था कि पीस प्रोसेस के लिए अभी वो अभी जस्ट बढ़ रहे हैं, गेट क्रॉस हुआ, अभी वो हमारे देश में प्रवेश कर गया है, बीएसएफ का ऑफिसर जो है उन्हें रिसीव किए हैं। अभिनंदन जी को अभिनंदन के लिए भारत के जमीन पर, अभिनंदन अब भारत में है, भारत की सीमा में दाखिल हो चुके हैं, अब वो जीरो लाइन के पास बॉर्डर के पास भारत में है। 58 घंटे रजत जी बिताने के बाद पाकिस्तान की कस्टडी में आखिरकार भारत लौटे अभिनंदन, भारत के जमीन पर है। अभिनंदन जी आपको हम अभिनंदन करते हैं। हमारे स्टूडियो में जो आर्मी के रिटायर्ड अफसर हैं वो खुले दिल से अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन का देखा उनके, उन्होंने तालियां बजा करके स्वागत किया, उनकी जो भावनाएं हैं वो देखते ही बनती है और इसी तरह की भावनाएं पूरे देश में है सौरभ। बिल्कुल रजत जी, ठीक कहा आपने, और बता दें कि पूरा देश इस लम्हे का इंतजार कर रहा था, जब से 27 तारीख की सुबह ये खबर आई कि उनका प्लेन पीओके में क्रैश हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस किस्म की हरकतें उनके साथ की गई, ऐसा बर्ताव उनके साथ किया गया, और उस सबके बीच भी भारत के इस वायुसेना के पायलट ने, इस योद्धा ने, इस वीर पराक्रमी ने जैसा कंडक्ट दिखाया, बर्ताव दिखाया अपना, एक लम्हा नहीं लगा कि वो किसी भी किस्म की शर्म। हमारे स्टूडियो में जो ऑडियंस आई हुई, जनता आई हुई है, उसके बीच में कैसा माहौल है ये जरा देखते हैं, वाकई में देखने वाले।